Hello everyone, I welcome you back to Defense Info, a one-stop solution for all your defense needs. So, हम लोग जो है करंट अफेयर्स पार्ट 6 अब कंटिन्यू करेंगे. पहले जो पांच पार्ट है दे हैव बीन पब्लिश्ड एंड इफ यू हैवंट वॉच देम येट तो आप जाके पहले जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑन द चैनल आप उसको जाके पहले जो पांच पार्ट है वो देखिए, उसके बाद आप पार्ट 6 पे आइए एंड ऑल दीज क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर CAPF 2020 which is scheduled on 20th of December and similarly for the CDS 1 2021 examination also which is scheduled in the month of February. So without further delay, start karte hain. Now, so the first current affair for today is basically about five animal bridges which will be India's first now. Kyunki ye India ki pehli hai, first hai. That is why this becomes very important and also because 2020 year काफ़ी एक ईयर रहा है जहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है. स्पेशली अगर बात करें जो अमेजोन बुश फायर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स जो हुए थे, है ना, तो उसके चलते काफ़ी एनिमल के प्रति जो है हमारा हमने लॉस किया है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी. सो इसके रिगार्डिंग इस साल एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एंड दैट इज़ वाई आई एम कवरिंग दिस टॉपिक. सो आप देखिए जो जो टॉपिक्स कनेक्ट किए जाते हैं ना, कुछ इस टाइप से कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, इवन इन फॉर द स्टैटिक पार्ट. सो विल सी है कि इंडिया विल सी द फर्स्ट फाइव एनिमल ओवर पासिस ऑन द अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में क्या रखना है कि लोकेशन कहाँ पे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे है एंड विच विल बी ऑन द लाइन्स ऑफ एनिमल ब्रिजेज इन नीदरलैंड फॉर सेफ पैसेज ऑफ वाइल्ड लाइफ. सो ये मॉडल हम किससे फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली वी आर फॉलोइंग दिस मॉडल बेस्ड ऑन नीदरलैंड. सो नीदरलैंड में ऐसा है कि आप जैसे कोई रोड है जैसे फॉर ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके बीच में से या उसके ऊपर से हमने कहीं ना कहीं से जो एनिमल ब्रिजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, फॉर देयर सेफ पैसेज की जो उनको रुकावट ना हो और वो एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इजीली विदाउट एनी ह्यूमन डिस्टर्बेंस एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एक्चुअली. सो दीज हैव बीन प्लान टू इंश्योर दैट देर आर नो डिस्टर्बेंस टू द रणथंबोर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर. नाउ ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन मतलब कौन से हम एरिया को लेके बात कर रहे हैं, दिस इज रणथंबोर. सो रणथंबोर आप नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो स्टैटिक क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं कि रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे है. सो दिस इज़ यू कैन सी हियर, यू नो ये जो इनका प्रोजेक्ट है, ये 5 अंडरग्राउंड स्ट्रेचेस कम्बाइंड लेंथ ऑफ 2.5 किलोमीटर, ये यू कैन वॉच हियर, ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, दिस इज एनी स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इज़ द फ्रेंच ओपन टेनिस, क्योंकि जो ओपन्स रहते हैं नॉर्मली हमारे वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आप बेसिकली जो है मेन सिंगल्स और वोमेन सिंगल्स भी ज़्यादा फोकस कीजिए, डबल्स क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आप देख लीजिए एक बार नाम. बट जो मेन सिंगल्स है वो जीता है राफेल नडाल, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ क्ले कोर्ट, और वुमेन सिंगल्स जीते हैं इगा स्वीटेक. सो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके विनर्स कौन है मेंस और वुमेन सिंगल्स में, ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ टॉकिंग अबाउट डेनमार्क ओपन, सो वो तो टेनिस से था, बट डेनमार्क ओपन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, दिस रिलेटेड टू बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन. सो ऑल द बैडमिंटन लवर्स आउट देयर, ये बेसिकली यहाँ पे जो चैम्पियन थे, ये इसका भी जो है आप मेन सिंगल्स एंड वोमेन सिंगल्स ही देखिए, डबल्स में इतना नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, सो डबल्स अगर आप इतना फोकस मत कीजिए. मेन सिंगल्स में जीता है एंडर्स एंटोनसन और वुमेन सिंगल्स में जीती है नोजोमी ओकुहारा. तो ये दोनों जो है अपने सिंगल्स रिस्पेक्टिव जेंडर उसमें विनर्स रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑबिचुअरीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोभा नायडू, शी पास अवे. सो शी वॉज अमंग द फोरमोस्ट कुचिपुड़ी डांसर्स ऑफ इंडिया. नाउ आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि ये कौन से जो है फील्ड से ताल्लुकात रखती थी, तो शी वॉज अ डांसर एंड मोर ओवर कुचिपुड़ी डांसर. तो कुचिपुड़ी कहाँ की स्टेट डांस है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है. एंड शी वॉज अ डिसिपल ऑफ द रिनोन्ड मास्टर वेमपति चिन्नासत्यम एंड शी वन पद्मश्री संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, नृत्य चूड़ामणि अवार्ड, नृत्य काला शिरोमणि, ठीक है. तो काफ़ी इनको जो है अवार्ड से नवाजा गया था यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली शी हैज़ पास्ड अवे एंड वी हैव लॉस्ट अ जेम.
सो आपको ये ऑब्विचुअरीज ध्यान में रखनी है क्योंकि काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी का हॉट फेवरेट टॉपिक है ऑब्विचुअरीज में से। ओके, अगेन टॉकिंग अबाउट वन मोर ऑब्विचुअरी, दिस इज़ अबाउट अक्कीथम अच्युतन नंबूथरी हु पास्ड अवे, एंड अगेन ही वॉज ऑल्सो अ लेजेंड एंड ही वॉज बेसिकली मलयाली पोएट। सो अगेन विच फील्ड इज ही रिलेटेड टू, ही इज़ रिलेटेड टू मलयालम पोएट। सो ही इज़ बेसिकली पोएट एंड ही हैज़ बीन अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आप इस इनकी किताब ध्यान रख सकते हैं, इरुपथम नूतनदिति इतिहासम एपिक ऑफ द 20th सेंचुरी एपिक। तो ये आप थोड़ा सा उनका, आई नो कि थोड़ा सा मे बी दिक्कत हो सकता है आपको, बट आप थोड़ा सा एक बार अपने बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ रखिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन, वी टॉक अबाउट रेज 2020। नाउ व्हाट इज बेसिकली दिस रेज? ठीक है, सो ये जो है हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इवेंट है विच इज़ कंडक्टेड बाय मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग टुगेदर। एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेज, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो हम एआई का यूज़ कर रहे हैं टू सोशली एम्पावर, एंड इट बेसिकली एम्स टू हाईलाइट इंडियाज़ विजन एंड पोटेंशियल रोड मैप ऑफ यूजिंग एआई। तो आप क्योंकि देख सकते हैं कि अभी डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी हम डिजिटल बूस्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हमने बहुत कुछ डिजिटलाइजेशन किया है, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज यू नो विजन्स जहाँ पे हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें आप देखते हैं नॉर्मली आसपास आपके, तो सब कुछ मैक्सिमम एआई से ही अभी जो है हम ऑपरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो यूज़ ऑफ एआई एंड एआई टेक्नोलॉजी इज़ प्रिटी मच रैपिडली ग्रोइंग हेयर इन इंडिया। सो बेस्ड ऑन दैट ये इवेंट है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एंड यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। ओके, मूविंग ऑन, नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेट बेसिकली विच इज़ केरला विच इज़ फिक्स द फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स। नाउ अमिड्स दिस यू नो द फार्मर एजिटेशन एंड ऑल, ठीक है, जहाँ पे इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतना ये फार्म बिल्स को लेके जो इतना एक इशू बना हुआ है इतने महीनों से, जहाँ पे फार्मर्स बेचारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वेर इन केरला एक्चुअली हैज़ फिक्स द फ्लोर प्राइस। नाउ वॉट इज दिस? इट विल बी 20% अबव द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द वेजिटेबल। तो ये वो कॉस्ट होगा जो एक किसान को नॉर्मली वो मिलेगा ही, ठीक है। नाउ इवन इफ द मार्केट प्राइस गोज बिलोज द फ्लोर प्राइस, द प्रोडक्ट विल बी प्रोक्योर्ड एट द फ्लोर प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स। तो अगर मान लीजिए कि फार्मर जो है ऑनियन उगा रहा है, अब ऑनियन का मान लीजिए मार्केट प्राइस नॉर्मली बहुत कम चला गया, तो ऐसे में तो फार्मर्स जो है वो तो लॉस खा जाएगा ना बेचारा, कि इतना सारा उसका जो उत्पादन होगा उसको उसको अपने लॉस में बेचना पड़ेगा नॉर्मली जो प्रोडक्शन कॉस्ट से। बट यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपसे उतने रेट पे ही खरीदेंगे जो एक फिक्स होगा, तो ये 20% अबव प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। सो इन एनी केस फार्मर विल बी जो है बेनिफिटेड एक्चुअली। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप एंड ऑफकोर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए ये कहीं से थोड़ा बहुत आइडिया। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द इन द कंट्री दैट फ्लोर प्राइस इज बींग फिक्स फॉर वेजिटेबल्स प्रोड्यूस इन द स्टेट। सो ये बेसिकली वेजिटेबल्स के लिए है, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज द थिंग। नाउ वी मूव ऑन टू परम सिद्धि ए आई विच इज़ बेसिकली द सुपर कंप्यूटर विच इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द एडवांस्ड यू नो सुपर कंप्यूटर्स। सो बेसिकली सीडैक जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इट विल बी कमिश्निंग इंडियाज़ लार्ज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ए आई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड दिस इनिशिएटिव विल प्लेस इंडिया अमंग टॉप कंट्रीज इन ग्लोबल ए आई सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। ओके, सो दिस इज द थिंग। मूविंग ऑन, नाउ वी टॉक अबाउट फेलुदा। सो वट इज़ फेलुदा? बेसिकली इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट। नाउ वट इज़ इट रिलेटेड टू? इट इज़ रिलेटेड टू सार्स कोविड टू डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये डेवलप किया जा रहा है किससे? CSIR और IGIB। सो ये जो मिलके क्या बना रहा है, दिस दे आर मेकिंग अ पेपर स्ट्रिप दैट डिटेक्ट्स कोरोना वायरस इन एन आर, ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड नॉर्मल RT-PCR से काफ़ी एक्चुअली इफेक्टिव है ये वॉट इज़ बींग सेड अबाउट दिस, एंड काफ़ी मैक्सिमम जो कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि RT-PCR टेस्ट काफ़ी महंगे हैं नॉर्मली, एंड नॉर्मल पीपल लाइक दे फाइंड डिफिकल्ट टू अफोर्ड द कॉस्ट। सो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगा।
मूविंग ऑन, दिस इज़ अबाउट डले कुर्सानी जी आई टैग। नाउ व्हाट इज़ डले कुर्सानी? बेसिकली दिस इज़ अ रेड चेरी पेपर चिली, ठीक है? तो आप देख सकते हैं चिली, एंड विच इज़ लोकली नोन एज द डले कुर्सानी। तो ये बेसिकली सिक्किम का एक पेपर चिली है, रेड पेपर चिली। एंड दिस हैज़ अर्न द ज्योग्राफिकल इंडेक्स इंडिकेशन टैग जी आई टैग फ्रॉम यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। नाउ आपको ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली एमसीक्यू में कि ये कौन से स्टेट का है, या रिसेंटली विच स्टेट हैज़ गॉट दिस थिंग, ऐसा करके। तो आपको ध्यान में रखना है दिस इज सिक्किम एंड वॉट इज द नेम, दले खुरसानी। ओके सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस पार्ट। कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पार्ट विच विल बी आउट वेरी सून, एंड टिल देन गाइज कीप लाइकिंग शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, and hit the bell icon so that you are notified of the notifications that we push out the first. So till then, goodbye and see you in the next one.